नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कैरियर को लेकर जरा सा भी फिक्रमंद हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज हम यहाँ पे मेडिकल फील्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कोर्स BASLP और BMRIT को कंपेयर करके बताने वाले हैं कि ये कोर्स क्या है, इनके सारी डिटेल को हम कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इन दोनों कोर्स में से कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, BASLP करना चाहिए या BMRIT करना चाहिए। पूरी इस वीडियो में एक एक बातें इनकी एकदम सच्चाई के साथ आपको बताई जाएगी। BASLP का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। वहीं BMRIT का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है। BASLP 4 साल का कोर्स होता है, इसमें कुल 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। वहीं BMRIT या 3 साल का कोर्स होता है और इसमें कुल 6 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। BASLP की फ़ी की बात करें तो BASLP की फ़ीस 20,000 से लेकर 80,000 रुपये 1 साल की होती है। दोस्तों यहाँ पे 20,000 से 80,000 रुपये फ़ी वैरी करती है अलग अलग कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज होगा तो उसकी 80,000 रुपये 60,000 रुपये इस तरीके से 1 साल की होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो कहीं कहीं 20,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये 60,000 रुपये तक गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी होती है। वहीं अगर BMRIT की बात करें तो दोस्तों BMRIT की जो फ़ी होती है प्राइवेट कॉलेज की, वो 1 लाख से 1,30,000 रुपये 1 साल की हो सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में BMRIT के लिए 45,000 से लेकर 60,000 रुपये तक फ़ी हो सकती है 1 साल के लिए। अलग अलग कॉलेज में फ़ी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर BASLP के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो BASLP करने के लिए आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं आपका PCB या फिर PCM दोनों में से किसी भी ग्रुप से रहेगा तो आप BASLP के लिए योग्य हैं। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप BASLP कर सकते हैं। BASLP करने के लिए जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो SC ST OBC अभ्यर्थियों के लिए 45% होना चाहिए, लेकिन जनरल स्टूडेंट के लिए कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12वीं में। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपका 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। वहीं अगर हम BMRIT के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो BMRIT के लिए भी आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। आपका 12वीं PCB ग्रुप से होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो BMRIT करने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब कि 35 साल की से ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट BMRIT नहीं कर सकते हैं। दोस्तों कैरियर और कोर्स रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए, कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में आती हो किसी भी कोर्स के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, या किसी भी कोर्स में एडमिशन कैसे होता है उसके बारे में कुछ भी आपको जानना है, या फिर हमसे कैरियर काउंसलिंग अपनी करवानी है कि आपको किस तरीके की फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल हो सकता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बस 3-4 चीज़ें आपको फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी बात सीधे हमसे मोबाइल फ़ोन पे हो पाएगी, बेस्ट कैरियर काउंसलिंग आपको दिया जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अराइज हो रहा है, उठ रहा है, तो उसका सही जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों कैरियर एक बहुत ही सेंसिटिव विषय होता है, इसमें हमें कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। दोस्तों एक गलत आपका कदम या एक गलत डायरेक्शन आपके पूरे कैरियर को बर्बाद करके रख देगी। तो दोस्तों बिल्कुल कैरियर चूज करते समय कोर्स कौन सा आपको करना है, बिल्कुल एक बार कैरियर काउंसलिंग आप लेकर देखिए, आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो BASLP के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिनके थ्रू आप BASLP के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। जैसे NEET UG का आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो NEET UG का जो स्कोर होता है उसके बेसिस पर एडमिशन देते हैं। आप NEET UG में जितना नंबर स्कोर करते हैं उसी के हिसाब से आपकी रैंक लगती है और फिर डिसाइड किया जाता है कि आप मेरिट लिस्ट में आते हैं कि नहीं। या फिर दूसरा इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसका नाम है IPU CET। दोस्तों ये दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन BASLP के लिए होते हैं। वही BMRIT के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार हैं, NEET MDS और CUET। ये दो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं ये होते हैं BMRIT के लिए। अब आइए ये जानते हैं कि जो BASLP होता है इसमें किस बात पे फोकस किया जाता है, क्या चीज़ आपको पढ़ाया जाता है,
किस तरीके के कोर्स पे आपको फोकस किया जाता है। तो दोस्तों BSLP मेनली फोकसेज ऑन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग। यानी दोस्तों यहाँ पे जो BSLP का कोर्स होता है तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं या हियरिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको सही करने के तरीकों के बारे में पढ़ाया जाता है। यानी दोस्तों आप बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे सही से बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ फंसती है या हकलाते हैं या कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं अच्छे से, तो उसी के बारे में ये कोर्स होता है। तो दोस्तों आपको बहुत सारी इसमें ऐसी थेरेपी सिखाई जाती है जिससे आप किसी बच्चे के रेगुलर काउंसलिंग करके उसकी आवाज़ को सही कर सकते हैं, उसके बोलने के तरीकों को सही कर सकते हैं, उसकी हियरिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड इसमें पढ़ाया जाता है दोस्तों। अगर BMRIT की बात करें तो BMRIT फोकसेज ऑन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रेडियोथेरेपी MRI CT स्कैन एंड अदर इमेजिंग टेक्निक यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मीन्स दोस्तों इसमें आपको BMRIT में आपको CT स्कैन कैसे किया जाता है, MRI कैसे किया जाता है, उसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, रेडियोथेरेपी कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यानी अगर आपका सपना ये है कि आप CT स्कैन सेंटर खोलना चाहते हैं या एक्सरे का कोई सेंटर खोलना चाहते हैं या MRI मशीन लेके MRI करने का सेंटर खोलना चाहते हैं या किसी भी रेडियोलॉजी के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको BMRIT कोर्स बेस्ट होगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि जो BSLP होता है इसमें कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होता है, यानी आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट की जॉब आप पाते हैं। तो दोस्तों ग्रेजुएट कैन वर्क एज ऑडियोलॉजिस्ट, क्योंकि ये ग्रेजुएशन कोर्स है, आप एज ऑडियोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर सकते हैं, स्कूल में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जो डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं, और वहाँ पे एज अ टीचर भी आप वर्क कर सकते हैं या फिर आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद का अपना सेंटर खोल सकते हैं। अगर दोस्तों BMRIT में कैरियर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इसमें आप रेडियोग्राफर बन सकते हैं या फिर रेडिएशन थेरेपिस्ट बन सकते हैं हॉस्पिटल में, या डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोल सकते हैं अपना, या फिर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में वर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही कोर्स इवरग्रीन कोर्स हैं, इनमें 100% आपकी जॉब की गारंटी है, आप कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो ही नहीं सकते हैं, आप कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों, आप एक बार अगर पैसा लगाकर आप एक बार CT स्कैन मशीन ला लेते हैं, MRI मशीन रख लेते हैं, तो फिर आपको आराम से बहुत सारे पैसे इसमें कमा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि इनके कितने चार्जेस होते हैं, और इनको चलना ही चलना है, क्योंकि दोस्तों मेडिकल फील्ड इवरग्रीन फील्ड होती है, ये हमेशा चलेगी, 24/7 ये सर्विसेज चलती हैं, चाहे कोई भी कंडीशन आए इनको चलना ही चलना है। दोस्तों अगर आप BSLP करते हैं तो आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक कैंडिडेट की जुबानी सुनिए। एक कैंडिडेट BSLP किए थे, वो बता रहे थे कि एक लड़का था वो बोल नहीं पाता था, तो उसके घर वाले इनको थेरेपी के लिए बुलाने लगे अपने घर कि मेरे बच्चे की आवाज़ जो है वो अच्छी होने लगे, पहले बहुत फंस के बोलता था, उसको सही करने के लिए। तो मैंने बोला कि आप कितना अपना चार्ज रखते हैं, तो इन्होंने बोला कि देखिए मैं उस जाता हूँ उस बच्चे के घर पे, एक घंटा उसको थेरेपी देता हूँ और उसमें मैं 500 रुपये एक घंटे के लेता हूँ रोज के। तो इस हिसाब से अगर 30 का मंथ है तो 500 × 30 कर लीजिए, यानी 15,000 एक बच्चे से एक घंटे में इनकी मंथली सैलरी है। अगर इस तरीके से 10 बच्चे मिल जाते हैं दोस्तों, तो 15,000 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.5 लाख रुपए हो गए। अगर 5 भी बच्चे आप एक महीने में थेरेपी देते हैं तो 15,000 × 5 कर लीजिए तो 75,000 हो गए। ये किस सिटी के थे दोस्तों, तो इन्होंने बोला कि मैं गाजियाबाद में काम करता हूँ, यानी दिल्ली के इलाकों में काम करते हैं, तो इन्होंने बताया। तो इस आधार पर आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि आप कितना रुपये कमा सकते हैं, और वो हॉस्पिटल में भी किसी काम कर रहे थे। तो मैंने दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि कितना मतलब इसमें हो सकता है। आप दोस्तों BMRIT करते हैं, इसमें आप बहुत सारी मशीनें, इसमें दोस्तों जो BMRIT एक बार आपको डिग्री मिल गई तो बस आपको खर्चा मशीन पे करना है। एक बार आपके CT स्कैन, एक्सरे मशीन या फिर MRI मशीन, एक बार अगर इन मशीनों की व्यवस्था आप कर लिए तो आप कुछ ही सालों में करोड़पति भी हो सकते हैं। एकदम सच्चाई है, रियलिटी है दोस्तों। बाकी अब आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रोथ करते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोर्स तो बहुत सारे लोग एक ही करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग उतना ऊंचाइयां नहीं छू पाते हैं। तो हर पैरामीटर सरकमस्टेंसेस सबके लिए एक बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर अदर फील्ड की बात की जाए, अगर और
फील्ड की बात की जाए तो उससे ये कोर्सेज बहुत बेस्ट हैं, अच्छे कोर्स हैं, इनमें कैरियर 100% आपका सिक्योर है। तो दोस्तों, इस चैनल पे हम एक से बढ़कर एक कैरियर से रिलेटेड शानदार वीडियो लाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। इन सभी वीडियो में से जो वीडियो आपको अच्छी लगे, जिस में और आप पसंद करते हैं, उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन वीडियो को भी देखें। अगर आपके कोई प्रियजन हैं जो पढ़ाई करते हैं और अगला कैरियर अपना चुनना चाहते हैं, तो उन तक भी हमारी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनकी जीवन को भी हमारी वीडियो बदल सकती हैं। क्योंकि हर वीडियो में हम बहुत ज़मीनी जानकारी देते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इतना कीमती समय अपना देने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।